अरे स्थिति तो लगातार पानी पड़ रहा है, आप तो जानते ही थे, जो पर्यावरण का संतुलन हो गया है, जो जलवायु परिवर्तन, अब जब जो शुरुआती दौर था उसमें हेवी रेन कुछ इलाके में हुआ और एक तरह से कहिए कि जो बाढ़ की स्थिति आ गई, अब उसके बाद एकदम सब जगह पानी की कमी और सूखे की स्थिति, फिर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ना, तो गंगा नदी के दोनों किनारे वाले 12 जिलों में कहीं कहीं स्थिति लोगों के लिए दिक्कत वाली हो गई, अब उसके बाद लगातार बरसा, अब 5-6 दिन से चल रहा है और अभी हथिया है कि कल से शुरू हुआ है तो अभी ये कब खत्म होगा, कि मौसम विज्ञान वाले भी इस मामले में सुबह कुछ बताते हैं और दोपहर के बाद उनको बदल करके अपना ओपिनियन देना पड़ रहा है, लेकिन मुझको तो ऐसा लगता है कि शुरू हुआ है तो 3 दिन तो कम से कम चलेगा। उस स्थिति में देख रहे हैं कितनी वर्षा हो रही, तो स्थिति तो है, लेकिन हर जगह पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन विभाग, हम लोगों का जिला का प्रशासन, पुलिस तंत्र, सब लोग एकजुट होकर के लगे हुए, और पटना में भी, राजेंद्र नगर ही नहीं, अनेक जगहों पर पानी घुस गया है, और अभी जो स्थिति अगर जैसी चल रही है और वैसी स्थिति में कहीं दक्षिण से पुनपुन नदी का और जलस्तर ऊंचा होता है तो मेरे ख्याल से इन सब इलाकों में भी कुछ खराब स्थिति हो सकती है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि हो ही जाएगी, तो हर चीज़ के लिए लोग बिल्कुल कॉशस हैं और निरंतर बातचीत कर रहे हैं, और अभी भी फिर हम लोग बैठ करके और चर्चा किए हर जगह जो काम हो रहा है, और पटना में भी जितना संभव उतना कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों को उन जगहों से निकालना, इसके बाद लोगों को पीने के पानी का संकट है तो बहुत लोगों को पीने के पानी का इंतजाम कर रहे हैं, और फिर उसके अलावा कुछ दूध के बारे में भी कि वहाँ पर उनको अलग अलग जगह पर दूध की आपूर्ति की व्यवस्था ऐसी हो जाए, तो हर चीज़ के बारे में एक एक चीज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब इसको कहिएगा ये तो मौसम की चीज़ है, सूखा की स्थिति के बाद अब सीधे अचानक ऐसी स्थिति आ गई है, लेकिन हम लोगों को पूरे तौर पर जो भी पीड़ित लोग हैं उनकी हर संभव सहायता, आप देखिए कई जगहों पर लोगों का कहीं किसी का दीवार गिर गया, एक जगह कुछ पेड़ गिर गया उसके चलते, तो कई जगह पर लोगों की मृत्यु, जो दुखद है, हम सब लोगों को जो सहायता हो सकता है वो सब करेंगे और उसमें लगे हुए सर, ग्रामीण टीम लगी हुई है, और ये कोई यहाँ की बात नहीं, ग्रामीण क्षेत्र सब जगह, हर जगह के DM बिल्कुल स्पॉट पर हैं और पूरा काम कर रहे हैं, जहाँ भी जो ज़रूरत है, जहाँ कम्युनिटी किचन चलाना है उसका इंतजाम हो रहा, और पहले से ही हमने अलर्ट किया था और लोग अलर्ट थे कि लोगों को निकाल करके जहाँ पर कहीं पर कुछ देर के लिए रुकना हो तो जो रिलीफ कैंप, तो उसका भी इंतजाम हुआ है और सब लोग लगे हुए। सर होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्र वाले थोड़ा सा बाढ़ से तैयार रहते हैं निपटने के लिए, शहरी क्षेत्र वाले बिल्कुल नहीं तैयार हैं। शहरी क्षेत्र वाले नहीं तैयार हैं, उसका तो कोई, ये तो नेचर की चीज़ है, और अधिक से अधिक जो भी मुमकिन है सहायता वो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन लोगों को तो थोड़ा सा मन को और हौसला को बुलंद रखना पड़ेगा, ये तो किसी के हाथ में नहीं है नेचर का, ये किसको है, यहाँ तक कि मौसम विज्ञान विभाग तो पहले कह रहा था कि 26 के बाद वर्षा नहीं होगी और बाद में इतनी वर्षा, तो इस स्थिति में, तो ऐसी परिस्थिति में तो सब लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और जितना भी संभव है सहायता करने का वो तो हम सब सरकार की तरफ से, सरकारी तंत्र की तरफ से कर रहे हैं, और एक बात जान लीजिए, जो काम हम लोगों ने प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जल जीवन हरियाली, अब बार बार हम कहते थे कभी सूखा कभी खूब पानी, अब वही स्थिति दिख रही है, तो अब तो लोगों को इसके लिए भी तैयार होना है कि हम लोगों को पर्यावरण की स्थिति जो बिगड़ती चली जा रही है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए हम लोग जो कर सकते हैं अपनी तरफ से, उसके लिए तो प्रयास, वो कैंपेन भी चलेगा, कार्यक्रम भी चलेगा, लेकिन अभी तो पानी इतना हो रहा, वर्षा इतनी हो रही है कि जगह जगह जो लोग तकलीफ में हैं उनके उपाय के लिए कर रहे हैं, और जहाँ भी तटबंध है उसके लिए भी एक एक काम के लिए जल संसाधन विभाग हर जगह
एक एक चीज़ को लोग मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ पर भी स्थिति आई है कहीं भी किसी भी जिले में, कल ही हमारे अनेक जिले के सीधे 19 जिले के अधिकारियों के साथ पूरी बातचीत हुई, तो एक एक चीज़ पर अलर्ट है। और आज सवेरे 6 बजे से आप समझ सकते हैं कि यहाँ चीफ सेक्रेटरी, हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, जल संसाधन के सब लोग यहाँ पर बैठते हैं, नगर विकास, चूँकि नगर की भी समस्या, और हम भी आकर के बहुत देर बैठ करके सब जगह का जायजा लिए हैं, लोग कर रहे हैं और अब हिम्मत से काम लें। फिर सर लोगों से क्या अपील होगी? लोग हिम्मत से काम लें। अभी तो जो कुछ भी है ये तो नेचुरल है, नेचर का है, और उसके लिए जो संभव है किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा मन को में हिम्मत रखना पड़ेगा। लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन विरोधी खेमे लोग सियासत कर रहे हैं। पीछे देखे सर, पीछे देखे कहना है। चलिए।